इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ, नहीं, तुम जहां रहो वहीं हनुमान जी के हो जाओ। किसके हो जाओ? अरे बोलो, हनुमान जी के हो जाओ मेरे पागलों। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें सदा सदा के लिए हनुमान जी का बनाना है। तुम दरबार में बैठ गए, आ गए, तो हमें भरोसा है, हमारा संकल्प है, हमारा दृढ़ है, पुरुषार्थ करोगे, भजन करोगे, पेशी करोगे, नियम का पालन करोगे, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करोगे और सन्यासी बाबा का ध्यान करोगे तो काम तो होकर के ही रहेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो, बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी तुम्हारा पैसा ज्यादा खर्च ना हो और भरोसा तुम्हारा भगवान से ना टूटे। क्या ना टूटे? भरोसा। तो अगर भरोसा नहीं तोड़ना चाहते तो हमें एक पते की बात बता दें। कह दो, बता दो, जोर से कहो तब बताएं। आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, हम तो इंसान है, इंसान भी महामूर्ख, एकदम आगल पागल, महानिकम में, महानालायक, महा अवगुणी, महाढीठ, महाचापलूस, और जितने दुनिया के अवगुण हैं वो सब हम महा। इसीलिए तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम जिनके चक्कर में पड़े हैं तुम भी उनके चक्कर में पड़ो। वो कौन है? बागेश्वर बालाजी। कौन? हाँ, उनके चरण पकड़ो, आज नहीं तो कल इकरार होगा हमें उन मुग्धर वालों से प्यार हुआ है तो इनको भी कभी हमसे प्यार होगा। तो आज नहीं तो कल सुनेंगे, भगवान के यहां देर है क्या? नहीं है, अंधेर नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी की भक्ति से जुड़ना चाहता, देखो जोश में ना उठाइयो। हां, तुम पर्चा के चक्कर में उठा रहे हो, सो धर लो, पर्चा तो बनाई गए, अपना काम निपटाओ, निकल लो, हाथ नीचे कर लो। जोश में तो नहीं उठा रहे, होश में उठा रहे, कच्चा के पक्का? दो चार दिन के लिए या जीवन भर के लिए? बात मानोगे? तिलक लगाओगे? ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करोगे? पेशी करोगे? नियम करोगे? दूसरों को भी बागेश्वर बालाजी की भक्ति से जोड़ोगे? कट्टर हिंदुत्व पर जियोगे? पक्का? 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 जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। जाओ, तुम्हें अनुभव होगा, तुम्हारे घर सेना पहुंचने लगेगी, जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। जाओ, बागेश्वर बालाजी तुम्हारी पुकार सुन लेंगे। बोलो सीताराम। अब लोग प्रवचन पूरी बात हमने बता दी, अब तुम जीवन भर के लिए बालाजी के हो गए। लो दरबार पूरा है, अब जाओ घर। बदमाशी देखो,
फिर भी पर चर्चा की। राम कुत्ता की पूंछ पुंगरी में डालो, जब निकले तब टेढ़ी की टेढ़ी। सीताराम चलो तुम भी बदमाश कम नहीं हो और हम भी बदमाश कम नहीं, हम भी पर्चा ही बनाने वाले हैं। अब दरबार शुरू कर रहे, नियम सबको पता ही है, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करना, पेशी करना, अनवरत पेशी करना, आगामी सूचना सबको पता ही है। बस इसके बाद में फिर बताएंगे कि क्या करेंगे, इकट्ठा बता के क्या करेंगे, लेकिन हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी भर तुम्हारे प्राण खाएंगे। आगामी एक बात हमें कान में डाल लेनी चाहिए, शायद जुलाई के बाद या जून में लगभग 25 दिन के लिए बागेश्वर धाम मंदिर बंद रहेगा। धाम पर बरसात को देखते हुए, आप लोगों की व्यवस्था को देखते हुए, हमने कुछ कुछ निर्माण का नियम लिया है कि कुछ कुछ आपकी व्यवस्था के लिए थोड़ा चौड़ीकरण ऊपर करवा दिया जाए, ताकि सुगम तरीके से ज्यादा लोगों को दर्शन हो सके। अभी जो धक्का मुक्की होती है, उस धक्का मुक्की से बचने के लिए हमने कुछ कुछ आर्किटेक्ट डिजाइनरों को बुलवाया है, वो काम पे लगे हैं, और बहुत ही जल्दी इस काम को हम रूपांतरित करवा करके मानेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होवे और सुगम तरीके से आपको दर्शन हो जावे बालाजी के। इसलिए वहाँ पर गड्ढा गुट्टी होगी, खुदाई होगी, तो आने जाने में दिक्कत होगी, चोट चोट ना लगे, इसलिए हमने फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर पूजा पाठ तो चलेगी पर दर्शन और पट बंद रहेंगे, ताकि जो है काम में व्यवधान ना हो गए, और 20-25 दिन के बाद जल्दी जल्दी दिन ना रात काम करवा कर नए तरीके से आप बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर पाओगे। बोलो जय सियाराम, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, बालाजी, दादा गुरु जी, लो आज का दरबार शुरू। राम कृष्ण हरि, दुश्मन की ठठरी बरी। गुरुजी बहरा हो गए, सीताराम बेटा काले बेटा प्राण कितनी बार हो गए, मानो आज तो चली गई तुम लोगों को हमारी बातें बुरी तो नहीं लगती, हम सही कह देते हैं, मुंह पे कह देते हैं, अब लगती लो हो हमें कौन सा ठा लिया परस में जाना है। अब स्वीकार करो, हम पर कृपा दृष्टि करो, हमारी अलाय बलाय को दूर करो, ऐसी मन ही मन श्री बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो। और आज के दरबार के क्रम में जो उल्लेख सन्यासी बाबा ने पर्चे पर किया है, उन लोगों को तो बुलाया ही जाएगा, एक एक करके जिन जिन की भी आज्ञा आज के दरबार के लिए श्री बालाजी महाराज सन्यासी बाबा हमको देंगे, उनको दरबार के क्रम में बैठा करके मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दिया जाएगा।
पहले नंबर पर जो आज की अर्जी लगी हुई है वो लगी है, उल्लेख किया सन्यासी बाबा ने, क्लर्क के पास सामने में राजेंद्र नाम का बालक भैया, राजेंद्र नाम के सफेद तौलिया सिर पर बांधे हुए, दूसरे पिलर के पहले में विराजमान है, कुर्ता पहने। हाँ आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। ये जो तौलिया सिर पर बांधे हुए आ रहे हैं कुर्ता पहने हुए, इनको आने दीजिए, दूसरे पिलर के पास ही देना। राम दूसरा उल्लेख, दरबार में गुरुजी ने जो सन्यासी बाबा ने किया है, दूसरा उल्लेख किया है पीछे की तरफ से, ये बाएं हाथ में पीछे की तरफ अमित सिंह नाम का, अमित नाम का एक बालक विराजमान, भैया विराजमान है। आप खड़े हो जाएं, आपकी अर्जी दीवाल के पास में ही, टी शर्ट पहने हुए, हाँ पीली टी शर्ट पहने हुए आ जाइए। साथ में है कोई? साथ में? ओके, यू कम हियर, तुम्हारी ही अर्जी है। आप दरबार में किसी को भी अपना नाम, अपना परिचय कहीं पर भी धाम पर ना बताएं, हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, किसी भी कोने में कहीं पर भी किसी भी स्थिति में बैठो खड़े रहो, वहीं से बुला लिया जाएगा। यही बालाजी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तीसरी अर्जी, तीसरी अर्जी दरबार के ही पंडाल के द्वार के इस तरफ में शिवानी नाम की बहन जी की अर्जी, यहां द्वार के इस तरफ में बहन जी शिवानी नाम की विराजमान है, लाल वस्त्र पहने हुए, जूता बांधे हुए, सलवार सूट। हां आप शिवानी हैं, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ लाल वस्त्र आने दीजिए। राम अगली अर्जी पर प्रकाश, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार अगली अर्जी अंतिम पंक्ति में, सबसे लास्ट में जो सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए खड़े हैं, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है जी, आ जाइए। यस, इसके बाद दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। भैया चित्र लिए हुए वृद्ध माता जी द्वार के पास में बैठी कोने पर, ये जो सीढ़ियों के पास चश्मा लगाए, इनको भेज दिया जाए, बैग लिए होगी। हाँ आ जाओ, आपकी भी माता जी अर्जी स्वीकार हो गई है। राम दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की। ठीक, अयोध्या रामलला का चिन्ह विग्रह लिए हुए, मूर्ति लिए हुए जो बैठे हैं आप आ जाएं। एक यही जो बच्चा सिर पर हाथ रखे हुए है, लाली सिर पर हाथ रखे हुए हैं बहन जी, हाँ आ जाइए। साथ में कोई है जो पीला दुपट्टा डाले बहन जी है, इनको आने दीजिए। इसके बाद राम गुरुजी सीताराम,
बालाजी सीताराम, दादा गुरुजी सीताराम। बीच के छोड़ पर राजकुमार नाम के भैया विराजमान है, मध्य के छोड़ पर राजकुमार नाम के भैया विराजमान है। आप आ जाए मोबाइल आगे डाले हुए, शर्ट फुलमाए की पहने हुए, यस यस आ जाइए। वो जो पीछे से आ रहे हैं, सबसे पीछे खड़े भाई बीच के छोर से हाथ में लिए हुए, उनको जरा प्रवेश करवा दीजिए। राम, इसके बाद अगला। बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी महाराज की, आंख बंद किए हुए, स्टॉल डाले हुए, हाथ जोड़े, ये जो बहन जी विराजमान है, हाँ हाँ आप खड़ी हो गए, आ जाइए बहन, जो पीली टी शर्ट वाली बहन जी है इनको आने दीजिए, साथ में जो भी हो लेकर के आना है। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। इसके बाद अंगला। ये कुर्ता पजामा वाले सबसे अंतिम श्रेणी वाले इनको आने दें। ये जो तीन लोग खड़े हैं इनमें ये बहन जी है जो, हाँ इनको प्रवेश करा दें, इनको बैठा दें। उसके बाद ये जो पीली टी शर्ट वाली बहन जी आ रही है, इन बहन जी के साथ में जय जने हैं, उनको प्रवेश करवा दें। उसके बाद में हाथ में पानी की बोतल लिए हुए जो बीच से बालक चला आ रहा है राजकुमार, इसको प्रवेश करवा देना है। वो चला आ रहा है राजकुमार, हाँ बीच से उस बालक को भी प्रवेश करवा दें। इसके बाद अंगली आज्ञा, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी महाराज की, समाधि वाले बाबा की। यह अर्जी दो आई है, दोनों में से एक अर्जी तो आई है बाहर से, पंडाल के बाहर, दरबार के बाहर में, गोविंद प्रताप उर्फ गोविंद सिंह नाम के एक भैया दुकान के पास खड़े हुए हैं। आपका घर पर नाम गज्जू गज्जू चलता है, आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। और दूसरी अर्जी मंदिर के पास नीम के पेड़ के नीचे जो बालक 100 पाठ हनुमान चालीसा के क्रम को पूर्ण करके बैठा है वो आ जाए, उसकी भी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। इसके बाद बोलो बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी महाराज की। जब तक इन लोगों को किसी को प्रवेश कराओ, कुछ अर्जियों पर क्रमांक पर हम चर्चा कर रहे हैं। आया होगा उसको कह देना 2 घंटे बाद बैठक हो पाए। कहां से हैं
यूपी पहली बार आए, माइक ले सकते हो, वो रखा है। बोलिए क्या बागेश्वर बालाजी से समाधान पाना चाहते हैं? हाँ, और तुम अभी वहां बैठो, वहां बैठ जाओ, पहले वहां बैठो, पहले वहां बैठो। हाँ, आप नजदीक आओ और बताओ। ये अलग से आए हैं उनके साथ में, आप साथ हैं, वो उनकी अर्जी अलग है, ठीक है। हाँ, और बताइए, आप इधर बात करो। हाँ, जी, और क्या जानना है? ऐसा आया हमारे पर्ची में, घर में कलेश बाधाएं बनी, लगातार परेशान, 5 साल से मरने मारने की स्थिति है, उपद्रव शांत नहीं हो रहा, भूत बाधा का प्रभाव बना हुआ, कोई काम नहीं हो रहा, न भवन मकान का काम हो पा रहा है, जिस कारण से परेशान होकर दरबार में आए हैं। कलेश शांत होगा, मकान 2.25 साल के अंदर हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। बराबर, कोई संदेह? है, प्रभाव किया गया। शनिवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठना है, पेशी भी उसी दिन की करनी। हम कवच देंगे, पहले ये नकारात्मक ऊर्जा यानी संकट को दूर करेंगे, इसके बाद में आप पुरुषार्थ करो, बालाजी सफलता देंगे, भवन का काम भी होगा। ज्यों ज्यों आप पेशी बढ़ाएंगे, बागेश्वर धाम का नारियल घर पर रखेंगे, त्यों त्यों आपके परिवार में उन्नति होने लगेगी, जय जय हो जाएगी, जाओ आशीर्वाद है, जय जय हो। उसके लिवाने आएंगे, कोई संदेह? चलो दरबार में अर्जी लगेगी, वो सन्यासी वालों की ठीक हो जाए, बाधा है ठीक हो जाए। लो भभूति ले, भभूति ले, ठीक हो जाए, ये ले, ठीक हो जाए, पेशी शुरू करो। अगला नंबर बात, अगला नंबर बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। भैया आओ, शोर ना मचाएं, मन में राम नाम का जप करें, इधर आइए। कहां से आए? अयोध्या से, 13 किलोमीटर दूर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। Thank you.
बोलिए क्या समाधान चाहते हैं। जी पढ़िए, अस्वस्थ बने रहते हैं, घर में विवादिक स्थितियां बनी रहती हैं, मन विचलित है, आर्थिक तंगी से भी वर्तमान में परेशान है, मैया को भी शरीर में दिक्कत होती है, आपको अपच बनती है, गले में दिक्कत होती है, पेट की आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, अम्ल क्षार की समस्या बन गई है, डॉक्टरी मार्ग में जाना चाहते हैं, बालाजी कृपा करेंगे, मेडिकल मार्ग में सफलता प्राप्त होगी, जाओ आशीर्वाद है। बालाजी दया करेंगे। मैया भी आई हैं, उनको भी बीमारी बनी है, डॉक्टरी सलाह बहुत करवा ली है, लाखों रुपए लगाए हैं, लाभ नहीं हुआ है, उनको भी जकड़न हो रही है, गांठों में दिक्कत हो रही है, घुटने बदलने की स्थिति पर आ गए हैं, जर्जर कर दिया है शरीर को, वजन में भी बहुत दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में भी समस्या हो रही है, और रात को अचानक से चौंक जाती है, पूरे शरीर में उनको जकड़न बन जाती है, सांप जैसा लौटने लगता है, प्रभाव किया गया है आपके घर पर, सन 2015 में किया है, 2017 से प्रभाव शुरू हुआ है, तेज गति इसने 2019 से पकड़ी, जनवरी के महीने से पकड़ी, आपको भी अपच बन रही है, दवा काम नहीं कर रही है, ऊपर तक गंदगी आ जाती है, वह गंदे विचार आ रहे हैं, गंदी सुगंध आती है, घर पर भी गंदी दुर्गंध आती है, और तुम्हारे दिमाग को चिड़चिड़ा कर देती है, पढ़ने बैठते ही व्यभिचार करने का मन होता है। माइक से बोलो हाँ या ना। जाओ, हम उपाय करते हैं, तुम नियम शुरू करो, आज से ही आराम लगने लगेगा, और पूर्णतया तंत्र शनिवार की पेशियों में यहीं पर बांध दिया जाएगा, आशीर्वाद है। यो भगवती लो। अगला नंबर, जब तक अगले नंबर की अर्जी स्वीकार हो रही है तब तक बागेश्वर बालाजी की आज्ञा अनुसार अगली अर्जी के लिए जिन भक्त के लिए बुलाया जाए उनको यहाँ पहुंचना है। सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो अगली अर्जी स्वीकार हुई है, साथ में है कोई, पिताजी को बुला लो, आने दो, बस बस। हाँ, दरबार के क्रम में, अच्छा, जो ताव सिर पर पगड़ी बांधे हुए यहां बैठे हैं, जरा इनको भेज दीजिए, सिर पर पगड़ी सफेद बांधे ताऊ बैठे हैं, ताऊ बूढ़े, आप बैठ जाओ सरदार जी, आप लोग बैठ जाओ भैया, आप लोग ताऊ तुम बैठ जाओ, हाँ आ जाइए, आइए नजदीक बहन, कहां से आए हो, पहली बार आए, कितनी बार अर्जी पहली बार लग रही है, बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते, बोलिए क्या समाधान चाहती है बागेश्वर बालाजी। बहन मम्मी के, ठीक, कैसे आ गए
क्यों अकेलियां? इन लोगों को कह देते, ये लोग आने नहीं दे रहे थे। फिर बैंड का बुला लीजिए, कोई नहीं। तुम्हें क्या हो गया? आगे के लिए क्या जाने? पिछले तो जाते बीच में परेशान हो जाए, सुधर जाएंगे। आओ इधर आओ, मां के पैर की नस में दिक्कत बनी हुई है, कोई भी भूत बाधा का प्रभाव नहीं है, ना चिंता करना है। घर के काम रुक रहे हैं, मंगल काज भी रुक रहा है। आप देवी माता का हवन व उनकी भक्ति करें, निश्चित रूप से सरस्वती कृपा होगी व आप गायक मार्ग में बढ़ेगी। चिंता ना करें, नाम प्रसिद्धि पाएगी, आशीर्वाद है। आ जाने देना, आ जाने देना। सही है, थोड़ा उनका रिश्तेदारी से रोक हो रही है, वो जवाब नहीं कुछ दे रहे। ठीक है, हम कर देंगे। बहन की शादी की है ना, ये तो लग गई ना। कर देंगे और आप संगीत विधा सीखें और भगवती देवी की साधना करें। देवी की साधना से आपको गायकी की विधा में सिद्धि प्राप्त होगी। आपको हम झाड़ा लगा देंगी और वहां जहां वो चर्चा हो रही है उसमें थोड़ी सी उनका रिश्तेदार बार बार घुमा रहा है, हम बालाजी से प्रार्थना करें दे रहे, बालाजी कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल देवे। है तो ठीक, बस वो उनके घमंड जाना सीधे जाना। ठीक, अच्छी बात, तुम सुधर जाओ, सही हो जाए, अपच ठीक हो जाए, कुछ ना बीच बीच में बिगड़ जा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूज्य सरकार द्वारा फोटो, जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं हमारे बागेश्वर धाम में जो खुल रहा है, दिख रहा चल रहा है, आप सभी देख ही पा रहे हो। भक्त जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।
हम कवच बना दें, जाओ इनको हम व्यवस्था देखे दे रहे आशीर्वाद हम कर। आ जाओ अगला नंबर, अभी बुला लें आशीर्वाद बुला देंगे बच्चा ना जाए। वह टोपी वाले हैं बुला दीजिए, दाढ़ी वाले लड़का जो वहां रेलिंग के बाहर बैग टांग के खड़ो पगला मूर्ख, आओ सबसे बाद में मिलवा देंगे इसको। सीताराम माता